तो गाइस एक अभी एक पापा के परिचय मिलवा रहे हैं आप सबको। हेलो मैम। हेलो, कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? संजना गौर। चश्मा लगाइए। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आप सबको लेकर चल रहा हूँ गोरखपुर वी पार्क में। चलिए चलते हैं और फुल रिएक्शन करेंगे गोरखपुर वी पार्क में। और ये रहा मेरे घर, नया घोड़ा आया हुआ है सोनपुर से खरीद के, पुराना वाला बिक गया और ये नया घोड़ा है। इतना तगड़ा दिख रहा है ये नया घोड़ा, इसका लुक पिछले पहले वाले से तो बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा इसका कलर भी है और पहले से अच्छा भी दिखता है ये मेरा घोड़ा। और ये रही मेरी बाइक, इस बाइक से चलते हैं गोरखपुर। गाइस फाइनली हम अपने गांव से निकल चुके हैं गोरखपुर के लिए बाइक से। और ये रही मेरी बाइक, ट्रेन छूट गई इसलिए बाइक से गोरखपुर जाना पड़ रहा है। आज कोई दोस्त साथ में नहीं है, सब दोस्त बिजी है अपने अपने कामों में, इसलिए अकेले ही जाना पड़ रहा है आज का ब्लॉग शूट करने। गाइस फाइनली हम गोरखपुर वी पार्क पहुँच चुके हैं और ये मेरी गाड़ी, गाड़ी पार्क, गाड़ी पार्किंग चार्ज लगा 20 रुपया। और ये रहा मेरा दोस्त अयंक, आया है। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर वी पार्क और ये रहा गोरखपुर वी पार्क। चलिए इसके लेकर चलते हैं इसके अंदर। और ये रहा गोरखपुर वी पार्क। गाइस फाइनली हम गोरखपुर वी पार्क में एंट्री कर चुके हैं और चलिए देखते हैं इस वी पार्क में क्या है, क्या हो पाता है इस बार वी पार्क के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं। और ये रहा मेरा छपरी दोस्त अयन बाबू, आज ही आया मेरे साथ ब्लॉग बनाने। और चलिए क्या हो पाता है दिखाते हैं और कैसे कैसे इसमें लोग इंजॉय कर रहे हैं, चल रहे हैं इस वी पार्क के अंदर ये झूला खेलने। अयन बाबू झूला खेलेगा? हम जा रहे हैं झूला खेलने, ना कर लेंगे हम। तो भैया हम झूला खेल रहे हैं वी पार्क के अंदर, देखिए कितने मजे से। थोड़ा खेल दो बाबू अयन, थोड़ा सा खेल दो। के चलते आपको अभी लेके चल रहे हैं आप लोग के झूला पर और यहाँ खेलेंगे झूला, छोटा सा झूला लगाया गया है। एक अभी एक पापा के परिचय मिलवा रहे हैं आप सबको। हेलो मैम। हेलो, कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? संजना गौर। चश्मा लगाइए ना मैडम। लग गया। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी गाइस। चलिए दिखाते हैं आपको ये पार्क, अभी शाम हो चुका है और दिखाते हैं खूब अच्छा अच्छा कंटेंट। और राइड और ऋतिक भैया भी आने वाले हैं इस पार्क में, चलिए ऋतिक भाई से मिलवाते हैं। तो गाइस फाइनली ऋतिक भैया भी आ गए हैं, ऋतिक जायसवाल जी आ गए हैं पार्क में। वेलकम सर। वेलकम वेलकम वेलकम। और वेलकम आपको भी, वेलकम टू। और यही है ऋतिक भैया, मैं पहले भी मिले थे हम लोग। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, बुला गए क्या बोलेगा। आइए पहले घूमते हैं उसके बाद। सचिन भैया, सचिन भैया आइए घूमते हैं। और चलिए दिखाते हैं आप उसको को एक से काल पापा के परी। ए मार दे ऋतिक। तो वीडियो कैमरा वाला, तो वीडियो कॉमेडी बहुत वायरल हुआ है। गोयल रानी नाच देखे, गोयल रानी नाच देखे, हम बटर रानी सॉरी को कि सब केहू, हां सब बोले सब, कि सब केहू देखत रहे नाच,
हम बैठा रहनी सोरी पे कि सब केहू देखत रहे नाच हम बैठा रहनी सोरी पे सबके नजर एने ओने हमार नजर खाली डोंगड़ी पे। सो हेलो वाटू फैमिली, गैस हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, तो आप लोग भाई को ज्यादा अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। आप लोग पहले भाई को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, अब मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग प्लीज भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से ही कुछ हो सकता है। तो आप लोग प्लीज भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई है और चैनल भी अपना ही है। आप जैसे हमको प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे भाई को भी सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। दिल दरिया है, इनकी गर्लफ्रेंड करिया है। थैंक्स भाई। चलो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मुझे ना तो मम्मी जैसा जीरो है, ना तो मम्मी भाग दिया मामा घर। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम लोग वी पार घूम लिए और ये हरी की भैया जा रहे हैं बाइक से। तो ये हमारे सुना दीजिए, ये हमारे प्रिंस भाई है जिनका यूट्यूब पे चैनल है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए, हमारे भाई है। और जाते जाते कुछ सुना दीजिए, और जाते पब्लिक के लिए सुना दें। की सोइया लइका नियन सूत जाल कोरा में हग देल बोरा में। और कुछ तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नाव का विहार। ये देखिए कुछ सुंदर सा नौका बिहार का व्यू, और ये देखिए ये रहा नौका बिहार का गेट, यहाँ से लेकर चलेंगे। ये रहा नौका बिहार का गेट, ये नौका बिहार का सबसे फेमस जगह रील बनाने के लिए, सबसे फेमस जगह है ये रील बनाने के लिए नौका बिहार पे। देखिए किस तरह से पापा के परिवार रील बना रही है यहाँ पे, और ये सबसे फेमस जगह है पापा के परिवार लोग के रील्स बनाने के लिए, एक से एक जगह। तो गाइस फाइनली हम नौका विहार घूम चुके, अब गोरखपुर से निकलना है घर, और गोरखपुर से घर के लिए निकलना है, और यहीं पर पहुंच गया है साथ। देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए सभी ब्लॉग में।